1964 में जब ब्रूस ली का दुनिया भर में नाम नहीं हुआ था, एक शाओलिन मास्टर वोंग जैकमैन के साथ उनका एक ऐतिहासिक मुकाबला हुआ था। कईयों को लगता था कि वोंग सिर्फ ब्रूस ली को सजा देना चाहते थे क्योंकि ब्रूस ली वाइट्स को कुंग फू सिखाया करता था। ये फिल्म उसी मुकाबले से प्रेरित है। हेनान प्रोविंस 1963, कुंग फू का जन्म स्थान।让本门大弟子黄泽民与贵门切磋武艺，老衲荣幸之至。阿弥陀佛。哪里哪里，实是我太极满门之幸。सैन फ्रांसिस्को 1964। एंटर द ड्रैगन के 9 साल पहले कुंग फू कोई कुश्ती नहीं है जेंटलमैन, और ना ये कोई रिलीजन है, पर यही तुम्हें मरने से बचाएगा। गॉट इट? इस शहर में तुम्हें और कोई हथियार नहीं मिलेगा। अगर कोई ईंट फेंके तो पत्थर मारो, अगर कोई पत्थर फेंके तो उससे बड़ा पत्थर मारो। कुछ भी करो पर उसे अच्छे से मार कराओ, बस यही है विंग चन स्टाइल। अगर यह सीख लिया तो जहां भी जाओगे इज्जत ही पाओगे। हे, मार क्यों रहे मुझे? जुआ खेलना फिर से शुरू किया? चाइना टाउन में हर कोई जुआ खेलता है। मेरे स्टूडेंट्स नहीं। कितना हारे इस बार? नहीं, ज्यादा नहीं। कितना बताओ? 400-500। जुआ हो या फाइटिंग, तुम दोनों में फेल हो। जब चिंग हु तोंग के गुंडे हफ्ता लेने आएंगे तो तुम्हें लगता है तुम्हारी बॉक्सिंग से डर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही कहा, बिल्कुल नहीं। ऑलराइट एवरीबॉडी, अपनी स्पीड बढ़ाओ। Action! क्या हुआ? रील खत्म हो गई ब्रूस। फिर से फ्रैंकी, यही तो लास्ट फाइट थी। समझा करो ब्रूस, लो बजट फिल्म है। इस साइड से ना थोड़ा ठीक है। अब जल्दी से रीलोड करो। हाँ, मैंने लास्ट में किसकी बजाई थी? गैंगस्टर नंबर 4। ओके स्टीव, हाँ विनी, अपनी पोजीशन ले लो। ठीक है, बाकी सब लोग वापस जमीन पर आओ। ए शिफू, मुझे लगता है मेरे अंडे फूट गए। तुम्हें कितनी बार समझाया है, जब मैं किक करूं तो तुम्हें पीछे हटना। ऐसा करता तो कैमरे में कैसे आता? रोल साउंड। तुम्हारा आना जरूरी नहीं है चपड़ कंजू, ये फिल्म मेरी है। एक्शन।
चीफ, उस फिल्म में मुझे रोल देने के लिए थैंक्स। थैंक्स किस बात का, अच्छी एक्टिंग कर दिया, खासकर जब मार खानी है। थैंक्स। मुझे आपसे पूछना था कि मैं क्लास में कैसा कर रहा हूँ। मेहनत तो अच्छी कर रहा, जल्दी तुम अपनी एक खास स्टाइल बना लोगे। किस टाइप की स्टाइल? घूसा खाओ, आ जाओ दिखाता। गुड। अपने अंडों को बचाओ, कहीं फूट ना जाए। बस इतना ही दम है, निकल गई सारी हिकड़ी। कम ऑन, दिखाओ कैसे मारोगे गली के गुंडों को। रिलैक्स मार्क, मार्क, मार्क। अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीखो। कुंग-फू का मतलब है डिसिप्लिन। उसे बचाकर रखो जो यहां है, यहां पर और यहां भी। अब बताओ मुझे। क्या बताऊं? तुम इतने गुस्से में क्यों? नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूं, बस थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हूं। सॉरी मैं, तुम्हें एम्बैरस नहीं करना था। कोई बात नहीं, मैंने खुद को एम्बैरस किया। जानते हो, अगर तुम्हारी एक भी पंच मुझे लग जाती तो मैं वहीं गिर जाता। तुमने जरूर बॉक्सिंग सीखी होगी। नहीं, किसी ने तो घूसा जमाना सिखाया होगा, तुम्हारे डैड ने। ऐसा ही समझ लो। जानते मैंने क्या किया? तुम्हें डरा दिया। अपना पहला पंच मारने से पहले अगर तुमने सामने वाले को डरा दिया तो जीत पक्की। इसमें तो आप माहिर हैं। देखो, मैं तुम्हारा सीफू हूं, तुम्हें जीने का ढंग सिखाना मेरा काम नहीं है, पर यह कहना मेरा फर्ज है कि कोई भी फाइट कंधे पर बोझ रखकर जीत नहीं सकते। हाथ बाहर की ओर रखो। क्यों, मैं सीख गया ना? हैं? पूरी तरह नहीं, पर सीख जाओगे। अब चलो निकलो यहां से, मुझे भी घर जाना है। विनी विनी विनी, मेरे दोस्त। अरे टोनी, तुम कितने दिनों बाद मिले हो? ऐसे गोलियां देना बंद करो और सच सच बताओ, कब दोगे? ब्लॉसम आंटी का हफ्ता देना है तुम्हें। छोड़ो मुझे, जाने दो। मुझे हाथ मत लगाना। चिंगू टोंग से कोई पंगा नहीं लेता। मेरे साथ नहीं खेलोगे? अपना रास्ता नाप और फिर से यहां कभी मत आना।
विनी कल तेरे सारे पैसे चुका देगा। अगर फिर ऐसी गलती की तो तेरी हालत इनसे भी बदतर कर दूंगा। तुमने सबक तो सीख लिया होगा। हाँ सही कहा, अगली बार सीधा शूट करूंगा। बिली तुम एक दिन बहुत बुरी तरह फंसने वाले। मक्की जाओ, जाकर कपड़े दे दो, जरा जल्दी करो। बस जा ही रहा हूँ आंटी जी। तुमने चॉपस्टिक्स क्यों नहीं लिए? वो खूंखार शेर है माँ। तू है खूंखार जानवर जो लड़ता रहता है सबसे। अपने पैर नीचे रखना लायक का। आई लव यू माँ। वोंगजाट मैं, वो शाओलिन स्कूल छोड़ रहे हैं। रियली? तो यही है वो बंदा जो हमारे शिफू को टक्कर दे सकता है। शायद शिफू ने हरा दे, कुछ कह नहीं सकता। और क्या लिखा है? वो अमेरिका आ रहे हैं ताकि यहाँ के कंफू के बारे में जान सके। वो यहाँ है? हाँ। अमेरिका में कहाँ? सैन फ्रांसिस्को। हाय, ये लीजिए। प्लीज बस बॉय की यूनिफॉर्म, 8 डजन नैपकिन्स। मेरे टेबल क्लॉथ कहाँ हैं? रिलैक्स, गाड़ी में है, लेकर आओ। तो जल्दी लेकर आओ, सारे टेबल्स गंदे हो रहे हैं। ऐसे करूं? मेरे दो ही हाथ हैं, किसी को मदद के लिए भेजिए। चिवलॉन यहाँ आओ। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। तुम यहाँ नहीं हो ना? मैं स्टीव हूँ। तुम हिंदी समझती हो? नहीं समझती। वाह चीयर स्टीव। नहीं, मैंने शायद गलत कह दिया। वाह चीयर स्टीव। अब भी गलत है। तो तुम्हें हिंदी आती है? मुझे रेस्टोरेंट के बाहर किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है कुंचोला। कुंचोला, आप मुझे वो बुक्स दे दोगे? तुम्हें ये बुक चाहिए? हाँ ले लो। क्या तुमने इनसे हिंदी सीखी? हाँ, बुक्स पढ़ पढ़ के सीख लिया। मुझे टेबल का दे दो। अंदर चलो। थैंक यू। मैक, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जिस लड़की को पटाना चाहते हो वो ब्लॉसम आंटी की सर्वेंट है। अब ये ब्लॉसम आंटी का? ब्लॉसम आंटी चाइना गेट की मालकिन है, पर उसका असली काम है रेस्टोरेंट से चिंग हाउ ट्राइड का धंधा चलाना। वो लड़की उसकी गुलाम है। ब्लॉसम आंटी उसे तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वो सारे पैसे न चुका ले। तो बहुत बुरा है यार। आए, ये खाओगे? ये क्या? मिट्टी के कीड़ों का कबाब। सुनकर ही उल्टी आ रही है। सेहतमंद खाना कड़वा ही होता है, खा के देख। ओ, तुम्हें पता है जैक्सन कैफे के मैनेजर ने क्या कहा? क्या? वोंग जैकमैन कल जर्मन और फ्रांस से आ रहे हैं। उसे कैसे पता? वो वोंग का कजन है। चलो मिलते हैं ना। मिलके क्या कहेंगे? हेलो, कैसे हैं आप? हाँ? नहीं, मैं बस उनसे मिलना चाहता हूँ। शिफुली को बताओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। Excuse me. Yes. Nihao. Nihao. What's your Steve Mickey? Niku yi ge wa tashi yama? जी नहीं, शुक्रिया। शायद फिर कभी।
मैं कुछ समझा नहीं। तुम मुझे अपने जूते साफ करने के लिए कह रहे हो? मेरे दोस्त ने मुझे ये कहने को कहा। हाँ, समझ सकता हूँ। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मिस्टर मक्की? मास्टर वॉन्ग, मैं तो बस यहाँ आपका स्वागत करने आया था। किसी ने आपके लिए गाड़ी भेजी है? मैं इस लग्जरी के काबिल नहीं हूँ। आप ही मास्टर वॉन्ग जैकमैन है ना, जो शाओलिन स्कूल से आए हैं? हाँ। क्या मैं आपको लिफ्ट दे दूँ? लिफ्ट के लिए शुक्रिया। हाँ, नो प्रॉब्लम। मास्टर वॉन्ग, मैं सोच रहा था कि क्या अगर किसी दिन आप मुझे कुछ सिखा सकें तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हारा कोई टीचर नहीं है? हाँ है ना, मेरे कुंफू टीचर हैं, ब्रूस ली। अच्छा, काफी सुना है ली जुन फन के बारे में। हाँ। अगर तुम सीफू ली के स्टूडेंट हो फिर तो मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा पाऊंगा। फिर मिलते हैं। तुम्हारी वजह से मैंने मास्टर को अपना जूता साफ करने के लिए कहा। रुको, तेरी जान बचा ली मैंने। अच्छा, कैसे? अगर तू कहता कि आपका वो बहुत छोटा है ईगो। रुको, ऐसे क्यों लड़ रहे हो? और तुमने मुझे अपना जूता साफ करने कब कहा था? मैंने तो कभी नहीं सुना। आप नहीं शिफू, मैं मास्टर वॉन्ग जैकमैन की बात कर रहा था। ये क्या बकवास कर रहा है शिफू? मैं तो शराब में नहीं। तुम उससे कब मिले? मैंने सुना कि वो सैन फ्रांसिस्को में है तो मैं बस ऐसे ही उनसे मिलने चला गया। उसने बताया क्यों आया? वो बस कुछ देखने आए। क्या देखने आए? वो तो नहीं बताया, पर उन्होंने कहा कि वो आपको जानते हैं। तो शाओलिन स्कूल ने उन्हें मेरी जासूसी करने भेजा है। वो ऐसा क्यों करेंगे? हांगकांग में जब मैं सीफू यिप मैन का स्टूडेंट था तो शाओलिन को पता चला कि मेरी दादी व्हाइट है। पता है उन्होंने क्या किया? यिप मैन को मुझे सिखाने से रोका। तो मैं जब अमेरिका आया मैंने सबको कुंग फू सिखाना शुरू किया। शायद शाओलिन इसके लिए मुझे माफ ना करे। तो मास्टर वॉन्ग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आप हमें कुंग फू सिखाते हैं? और क्या वजह हो सकती है? तुमने ये कहां से सीखा? बस सीख रहा हूं, पर देख लेना, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एंट्रेंस वहां है, हमने टेबल बुक किया है। फॉन्ग, सूट नहीं दिख रहा तुम्हें? और गाड़ी मत घुमाना, मेरी माँ पेट्रोल चेक करती है। ये लीजिए। थैंक यू। ये तो बहुत महंगा है। बस एक फ्राइड राइस ले ले। स्टीव, यहाँ से खाना जरूरी है क्या? किसी तरह ये लेटर उस तक पहुँचाना है। तुमने हिंदी में लिखा है? हाँ, वो हिंदी बोलती है लेकिन उसे हिंदी पढ़नी नहीं आती। ला मुझे दे। क्या कर रहे हो? अब मैं इसे लिखूंगा चाइनीज में। देखो वो रही। एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए। शाओची अब आएगी। जी सर। क्या आप मुझे दूसरा नैपकिन दे सकती हैं? अरे यार, मुझे चाइनीज में नहीं बोलना चाहिए। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। बिनी बुशुबा। वो ब्लॉसम आंटी है, वो गैंगस्टर नहीं लगती, वो तो आंटी भी नहीं लगती। खैर, यहाँ चाइना टाउन में सब उससे डरते हैं। और वो देखो जो उसके पीछे चल रहा है ना, वो बॉबी चेन है, उसका खास बॉडीगार्ड। उससे कोई पंगा नहीं लेता। मेरे पीछे दो मोटे आदमी दिख रहे हैं, वो है लाइफ और किंग लव, आंटी के वसूली भाई। और मैंने सुना है कि आंटी इस बार हफ्ता बढ़ाने वाली है, पर सच बताऊं तो ब्रूस ली हफ्ता नहीं देगा।
और ना ही विनी। हाँ, लेकिन तुम ब्रूस ली नहीं हो, चलो यहाँ से। पर मैंने कुछ खाया नहीं। ये जगह बहुत महंगी है। किसके बारे में सोच रहे हो? वॉन्ग जैकमैन। जाने दो उसे। कैसे जाने दो फ्रैंकी? तुम जानते नहीं, वही एक शख्स है जो मेरी इतनी मेहनत से बनाई दुनिया को बर्बाद कर सकता है। उसने तुम्हें चैलेंज किया? अभी नहीं। तो फिर फिक्र की क्या बात है? फिक्र की बात है फ्रैंकी, वाइट्स को कुंफू सिखाना चाइना टाउन के बहुत से लोगों को पसंद नहीं। मेरी बीवी भी वाइट है, और अगर वॉन्ग ने अपने आप को मुझसे बेहतर साबित कर दिया तो यहां सब कुछ बदल जाएगा। आज नहीं तो कल फाइट करना ही होगा। चुलान, इस तरह यहां मत आया करो, उन्हें पता चल जाएगा। ये तुम्हारे लिए है, तुम इससे हिंदी सीख सकती हो। थैंक यू। So you want you me, want it ha, how you want you man tamel, he khoi um 10 rupiah handa, wo chi ga dij. Piyushwa, aaj subah mein bahut thaki hui thi, jin jin zaushan wo hin le. Tum aaj subah thaki hui thi, jin jin zaushan ni ha le. Wo aaj subah thaka hua tha, jin jin zaushan tha han le. Hum sab aaj subah thake hue the, jin jin zaushan... क्वेंचो लैम, कहा था ना किसी से बात मत करना। जब तक तुम यहां मेरे लिए काम कर रही हो, प्लीज बताइए मेरा काम यहां कब खत्म होगा? मैं जब चाहूंगी तभी होगा। तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है, तुम रेस्टोरेंट में काम करती हो ना कि किसी कोठे में। मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो तुम्हारी मुंह मांगी रकम देंगे। तो अगर किंग लाओ ने तुम्हें फिर कभी दूसरी लड़कियों को हिंदी सिखाती देखा तो तुम ही सबके बर्बादी का कारण बनोगी, समझी? Hey, Master Wong, Mr. Monkey. कहाँ जा रहे हैं? मैं सोच रहा था कि जाकर गोल्डन गेट ब्रिज देखूं। तो चलिए चले। सच में? हाँ। शुक्रिया। ये सचमुच बड़ा ही खूबसूरत है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। जब मैं शहर में आया तो इसे देखकर हैरान हो गया। तुम सैन फ्रांसिस्को के नहीं हो? नहीं, मैं इंडियाना से हूँ। इंडियाना में देखने को क्या क्या चीजें हैं? वहाँ साल में एक बार एक बहुत बड़ी कार रेस होती है। वहाँ भुट्टे हैं, बहुत सारे भुट्टे। वहाँ पर कंग फू सिखाते हैं? नहीं, कंग फू के बारे में मैंने यहाँ आकर जाना। वाकई? मुझे सीफू ली के बारे में बताओ। वो कंग फू को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। वो एक फिल्म बना रहे हैं और टेलीविजन पर भी आएंगे। कंग फू और टेलीविजन पर, इससे क्या हासिल होगा? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कंग फू की अहमियत समझ सके और उससे जुड़ सके। कंग फू के बारे में तुम्हारा क्या मानना है? तुम जितने टफ होगे लोग उतनी रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसीलिए तुम कंग फू सीखते हो ताकि टफ बन सको? और खुद को बचाने के लिए भी। हमारे शाओलिन स्कूल में कंग फू खुद के अनुशासन और आत्मज्ञान के लिए सिखाया जाता है। और हाँ, कंग फू सिर्फ हाथ की ताकत नहीं होती बल्कि अंदरूनी हकीकत भी होती। चलिए, मैं आपको वापस छोड़ देता हूं। नहीं, मैं यहां अपना वैंग शू करना चाहूंगा। वैंग शू? सूर्यास्त की कसरतें। शुक्रिया मिस्टर मैकी। थैंक यू।
लकी, ये क्या कर रहे हो तुम? बस वार्म अप कर रहा था। इस तरह हंस की चाल चल के? ये मैंने तो कभी नहीं सीखा। ये मैंने किसी को देख के सीखा। किसको? वॉन्ग जैकमैन। वॉन्ग ने सिखाया है? शिफू ऐसा नहीं है, मैं बस उन्हें शहर दिखा रहा था। अच्छा है, दोस्ती भी हो गई है। तो मेरा एक काम करोगे, उससे जाकर कहो कि मैं टूर्नामेंट के बाद उससे मिलना चाहता हूँ, ताकि हम बात कर सके मैन टू मैन। ओके। मास्टर वॉन्ग, वो जैक्सन कैफे में आपके कजिन ने बताया कि आप यहाँ रहते हैं। अंदर आइए मिस्टर मक्खी। थैंक यू। मैं बस चाय बनाने ही जा रहा था, आप भी पीजिए। मास्टर वॉन्ग, शिफुली आपसे मिलना चाहते हैं। कोई खास वजह है? उन्हें लगता है कि आप यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि वो हमें कंग फू सिखाते हैं। और आप क्या सोचते हैं मिस्टर मक्खी? शायद यही वजह है कि आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। कंग फू सिर्फ फाइटिंग का तरीका नहीं सिखाता, बल्कि सही ढंग से जीने की राह सुझाता है। ये हमारे पूर्वजों की देन है और इसे हमारे बीच ही रहना चाहिए। दूसरों के साथ शेयर करने में प्रॉब्लम क्या है? क्या आप आपके एटॉमिक बॉम्ब के सीक्रेट शेयर करेंगे? हाँ, पर कंग फू कोई एटॉमिक बॉम्ब नहीं है। सही कहा, यह उससे भी ताकतवर है। उस बॉम्ब की ताकत मौत है, पर कंग फू की ताकत है ची, यानी कि जिंदगी, और जिंदगी मौत से ज्यादा ताकतवर होती है। मास्टर वॉन्ग, जैसा मैंने सोचा था आप वैसे नहीं हैं। वैसे तुमने सोचा क्या था? जब आप यहाँ आए तो मैंने सोचा कि जोरों शोरों से आपका स्वागत होगा। मैं सिर्फ एक मंक हूँ, कोई टेलीविजन स्टार नहीं। थैंक यू। पर फिर मैंने सुना कि आप कैफे में काम कर रहे हैं। बैठे। नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप थोड़े बेचैन लग रहे हैं मिस्टर मक्खी। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप आखिर यहाँ क्यों आए हैं। उठे बर्तन धोने आया हूँ। आपको और भी काम मिल सकते हैं, आप ये काम क्यों करना चाहते हैं? इस काम में ईमानदारी भी है और इसमें मेहनत भी है। हाँ, लेकिन आप एक कंग फू मास्टर हैं। जिसका मुझे बेहद अफसोस है। क्यों? अपने झूठे गुरूर को खुद पर हावी होने दिया मैंने। एक शख्स को बहुत ज्यादा जख्मी किया, उसे जिसकी मैं बहुत इज्जत करता था। बहुत बड़ा पाप हो गया। उसकी सजा मुझे भुगतनी होगी, इसी वजह से मैं यहां आया हूं, ताकि अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। कौन से पापों का प्रायश्चित? अच्छा बताओ, सीफू तुम्हें क्या सिखाते हैं? वो हमें बैंड बजाना सिखाते हैं। बैंड बजाना? ऐसे गुरु के चेले को सिखाने में शायद मेरा कुछ भला हो सकता है। मुझे सोचने का थोड़ा वक्त हो। और मैं शिफुली से क्या कहूं? उनसे कहना मैं जरूर आऊंगा। कौन है? बताओ कौन है? यही है वो फेमस कराटे फाइटर जिससे मैं लड़ने वाला हूं। ये नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन है, वेरी बिग शॉट। पर इसके लिए मैंने एक छोटा सा सरप्राइज रखा है, मेरा 1 इंच पंच। क्या? जब ये कराटे चैंपियन मुझसे हार जाएगा तो इसके सारे स्टूडेंट्स यहां तुम्हारे साथ खड़े होंगे। ओए मैक, बार क्राउड देखा तुमने? हाँ, काफी लोग हैं।
आज के बाद कुंग फू बहुत बड़ा बन जाएगा। मेरा नाम घर घर में होगा, किसी कोल्ड ड्रिंक की तरह, और मेरी खुद की कंपनी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो वोंग से बात की? हाँ, उसने बताया वो यहाँ क्या कर रहा है? उन्होंने कहा कि वो यहाँ अपने पापों का प्रायश्चित करने आया है। और ये वो कैसे करेगा? जैक्सन कैफे में झूठे बर्तन धोकर। तो ग्रेट वोंग जैकमैन ने गलती की, उसे यहां भेज दिया अपने पापों का प्रायश्चित करने। गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। वो यहां आने वाला? हाँ। गुड, तब तो आज ही सारा खेल खत्म हो जाएगा। और आप स्वागत कीजिए विंग चुन मास्टर ब्रूस ली। क्या हाल है विंस? बढ़िया। कराटे कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 22 साल हो गए, इतनी तो मेरी उम्र भी नहीं होगी। जोर से मत मारना, ठीक है? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का ये मुकाबला होने वाला है कुंग फू और कराटे के बीच। ये है विंस, ये वर्ल्ड चैंपियन है, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्लीज मुझे जोर से ना मारे। इसे आप लकी शॉट कह सकते हैं। इस बार मैं थोड़ा स्लो रहूंगा। चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें कहकर अटैक करूंगा ताकि तुम अपने स्टूडेंट्स को सिखाओ कि ब्लॉक कैसे करते हैं। आर यू रेडी? तैयार हो जाओ, तैयार हो? One, two, three. Well, इसमें भी मजा नहीं है। एक काम करते हैं विंस, इस बार तुम मुझ पर अटैक करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मशहूर वोंग जैकमैन, शाओलिन स्कूल के महान टीचर। ये इतनी दूर सैन फ्रांसिस्को मेरी काबिलियत परखने के लिए आए हैं। बताइए मिस्टर वोंग, आप खुश तो है ना? हाँ, शुक्रिया। आपने आज यहां जो देखा उसके बारे में कुछ कहेंगे नहीं? मैंने देखा तुम क्या कर सकते हो, और ये भी देखा कि तुम क्या नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? मतलब तो तुम जो चाहे समझ लो। अपना ये शाओलिन ज्ञान मत झाड़ो, साफ साफ कहो। तुम्हारी टेक्निक काबिले तारीफ है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, बस इसमें रुकावट सिर्फ एक है। ओ अच्छा, वो क्या है? तुम खुद, तुम गर्व और अभिमान के साथ फाइट करते हो, लेकिन अपने अंतरात्मा के साथ नहीं।
अब चाहे तुम्हारा हुनर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। तुमने जो कहा उसे आजमाओगे? मैं भला इसे कैसे आजमा सकता हूं? मुझसे फाइट करो यहां अभी इसी वक्त, ताकि सब देख सकें किसमें क्या कमी है। नहीं, माफ करना, मैं यहां पर इसलिए नहीं आया था। तो फिर किस लिए आए थे? क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे बुलाया था और अब तुम्हारी इजाजत से मैं जाना चाहूंगा। मैंने ही उसे तुम्हें बुलाने को कहा था। मुझे नहीं लगा था इतने सारे लोगों के सामने तुम फाइट के लिए इनकार करोगे। फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर जो भी कमियां हैं इन सब लोगों को वो साफ दिखाई दे रही हैं। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा वोंग, हाथ पांव चलाने पड़ेंगे। तुम किसी काम के नहीं वोंग, मैं फ्यूचर हूं और तुम पास्ट, और तुम ये जानते हो। आपने फाइट क्यों नहीं की? मैं यहां अपना अभिमान कम करने आया, उसे हवा देने नहीं। पर आप ऐसे सबके सामने फाइट करने से मना नहीं कर सकते? कब फाइट करना है और कब फाइट नहीं करना ये जानना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, और कैसे पता चलेगा कब जरूरी है? अगर तुम अपनी जान देने को तैयार हो तो समझो वो फाइट जरूरी है, और उस फाइट को लड़ना और जीतना जरूरी है। अगर इस बात को समझ पाओ तो शायद मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी, ताकि वो सुरक्षित रहें। तुम प्रे करते हो? नहीं। अपने परिवार के लिए भी नहीं? मेरा कोई परिवार नहीं है। कोई भी नहीं? 6 महीने पहले मेरी मॉम गुजर गई और मेरे डैड पिछले 12 सालों से जेल में है। I'm sorry. तो बताओ तुम और क्या करती हो, मतलब मौज मस्ती वगैरह कुछ? मैं बिल्कुल मस्ती नहीं करती। आ जाओ आओ, तुम्हें कुछ दिखा दो। ऐसे पकड़ो और नजर हमेशा बॉल पर और ऐसे स्विंग करो। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। हाँ, ये अच्छा था, पर थोड़ा संभल के। इस तरह? हाँ, ओके, अब मैं जाकर बॉल फेंकता हूँ, ठीक है? ओके, तैयार हो? नहीं। तो तैयार हो जाओ, ये लो मारो। कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करेंगे। मुझसे नहीं होगा। जरूर होगा, बस फोकस करो, बॉल को देखो और फिर बैट घुमाओ, और अपने पैरों को जमीन पर ही रखना। रेडी? हाँ। गो! ओह माय गॉड! दर्द कम हुआ क्या? हाँ, अब दर्द पहले से कम है।
पर तुमने ये किया कैसे? ये जो प्रेशर पॉइंट है वो उस बॉडी पार्ट के लिए जब तुम्हें बॉल लगी तो तुम्हारे ची का संतुलन बिगड़ गया था। मेरी ची? हाँ, ये प्रेशर पॉइंट उसे शांत कर देता है। देखना अब दर्द नहीं होगा। वैसे तुमने ये सब कहाँ सीखा? मैंने अपने घर पे चाइनीज मेडिसिन पढ़ी हुई है। यहाँ मैं आई थी वेस्टर्न मेडिसिन पढ़ने के लिए किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से। यही मेरा सपना है। दूर रहो तुम लोग, समझते क्या हो तुम लोग अपने आप को? चलो निकलो यहाँ से। चुप हो जाओ, हमारा पैसा कहाँ है? छोड़ दो मुझे, रुक जाओ। मेरी मशीनों को नहीं छूना, मारो उसको बेटा। कैसा है वो? उसकी हालत खराब है लेकिन शायद बच जाए। उसकी मॉम का बिजनेस बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्लॉसम आंटी को हफ्ता देने से इनकार कर दिया। क्या बेवकूफी है, ऐसा क्यों किया? उन्होंने नहीं दिया क्योंकि आप भी नहीं देते। मेरी बात और है, वो मेरे पीछे नहीं आते। क्यों नहीं? बचपन में मैं हांगकांग में था और हमेशा लड़ता रहता था, तभी मेरे डैड ने मुझे कुंग फू में डाला। जब 16 का हुआ तो एक बदमाश लड़के के साथ मेरा झगड़ा हो गया, उसे बहुत मारा, उसकी टांगे तोड़ दी। वो किसी चिंगू टोंग बॉस का बेटा था, उसने मुझे मारना चाहा, तो मेरे डैड ने उनसे सौदा किया और मुझे यहां अमेरिका भेज दिया। तब से हम दोनों कभी नहीं झगड़ते। ब्लॉसम आंटी के पास कुछ लड़कियां हैं चाइना गेट में, उन्हें पीनो कहते हैं। हाँ, जानता हूं, सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हैं, कभी छूट नहीं पाएंगे। उनमें मेरी एक दोस्त भी है, मैं नहीं चाहता उसके साथ कुछ बुरा हो, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरी सलाह मानोगे? उसे भूल जा। आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें अपने सीफू के साथ बात करनी चाहिए। की थी, उन्होंने कहा ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है। मास्टर वांग, मैं जानता हूं ये आपकी भी प्रॉब्लम नहीं है, पर शायद वो आपके बोलने से मान जाए। मुझे माफ करना मिस्टर मक्की, पर यहां मैं सिर्फ छोटे बर्तन धोने आया। अच्छा, और कितने दिनों तक धोएंगे? जब तक सारे खत्म ना हो जाए। पर ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। बिल्कुल, तुम्हारी बीनू की तरह मेरा उधार भी कभी चुकता नहीं होगा। हर झूठा बर्तन मुझे अपने पाप की याद दिलाएगा, पर मुझे उन्हें धोना ही होगा जब तक मेरी आत्मा साफ नहीं हो जाती। शायद शिफुली सही थे, आप किसी काम के नहीं हैं। कहने को तो आप मास्टर हैं, पर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने प्रायश्चित के। एक बार चाइना में एक ताइची मास्टर और मेरे बीच एक डेमो मैच हुआ था। मैं जानता था मैं उन सब के सामने हारने वाला हूं,
पर मेरा गुरूर मेरे अनुशासन के ऊपर हावी हो गया। मैंने अपना आखिरी वार किया, एक जानलेवा किक। और फिर वो उठ नहीं पाए, वो कभी फाइट नहीं कर पाएंगे। आप बस खुद को बचा रहे थे। वो कोई असली फाइट नहीं थी, उसमें किसी को घायल करना मना था, पर मुझे हार की शर्मिंदगी मंजूर नहीं थी। आप बस अपने स्टाइल और अपने टेक्निक से लड़े। टेक्निक एक जाल है और स्टाइल जंजाल। ली को भी मैंने यही बात बताने की कोशिश की, कंग फू का मतलब है आजादी। अगर इसका मतलब आजादी है तो च्यूलान को आजाद कीजिए। क्या तुम उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हो? अपने हमला करने के तरीके दिखाओ। यहां पर? हाँ, वार करो। ओके। तुम अपनी पूरी ताकत जाया कर रहे हो और मैं बचा रहा हूं क्योंकि आप हिल रहे हैं, ताकि तुम्हारे वार से बच सकूं। चलो, मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। अब तुम मुझे यहां पर मारो। नहीं मार पाऊंगा। क्यों नहीं? क्योंकि आप बॉन्ग जैकमैन हैं, मैं आपको छू भी नहीं पाऊंगा। सबसे पहला सबक, अपने दुश्मन को पहचानो। वादा करता हूं मैं बिल्कुल बचाव नहीं करूंगा। चलो मारो मुझे। नहीं। पर क्यों? क्योंकि ये सही नहीं है। अब दूसरा सबक, खुद को पहचानो। अगर तुमने खुद को पहचान लिया और साथ ही अपने दुश्मन को भी, तो तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी भी हार जीत की कोई फिक्र नहीं होगी। मैंने तुम्हें ये जो दो सबक बताए हैं, इन्हीं में कंग फू का पूरा सार है, और बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। स्टीव, कई दिनों से दिखाई नहीं दिए। वॉन्ग के साथ ट्रेनिंग कर रहा? हाँ। मेरी ट्रेनिंग से बोर हो गए? मास्टर वॉन्ग च्यूलान को आजाद करने में मदद कर रहे हैं, मैं वापस आ जाऊंगा। दो नावों पर पैर रखोगे तो डूब जाओगे। गुड लक। गुड लक आपकी मूवी के लिए। थैंक्स। लोग काफी बातें कर रहे हैं उसकी। टीवी पर भी एक कुंग फू बेस्ड शो मिलने वाला है, द ग्रीन हॉर्नेट। मास्टर वॉन्ग का मानना है कि कुंग फू टीवी के लिए नहीं है। उनका बस चले तो वो इसे बोतल में बंद करके चाइना के किसी मठ में छुपा दें। तब भी तो वो लड़ना नहीं चाहते। क्योंकि वो लड़ना जरूरी नहीं समझते। अब मान भी लो, वॉन्ग मुझसे डरता है। शिफू, आपने जो सिखाया उसके लिए थैंक्स। यू वेलकम। और हां मैक, वॉन्ग से कहना अगर वो हिम्मत जुटा पाए तो मैं उससे कभी भी और कहीं भी लड़ लूंगा। बहुत हुआ उसका कम पुशअप, अब ये सिर्फ पढ़ाई करेगा और क्लर्क बनेगा। जान तो बची रहेगी उसकी। क्या तुम्हारे किसी दोस्त का नाम वॉन्ग जैकमैन है? Mr.
मिस्टर मक्की, तुम इस वक्त यहां पर? ब्लॉसमान जी ने कहा कि अगर आप शिफुली से फाइट करें तो वो जीवलान को आजाद कर देगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। जीवलान वहां से निकल नहीं पाएगी। देखिए, मैं जानता हूं आप यहां प्रायश्चित करने आए हैं, पर सोचिए उस लड़की को किस बात की सजा मिल रही है। देखिए, आप ही ने कहा था ना कि आप बिना वजह फिर कभी नहीं लड़ेंगे, लेकिन इस बार आपके पास एक मौका है किसी को बचाने का। क्या ये बर्तन धोने से बेहतर प्रायश्चित नहीं है? याद रखना, ये कराटे नहीं है, ये कुंग फू है। हमारा सामना खिलाड़ियों से नहीं, गली के गुंडों से होने वाला है। तो हमारा नारा क्या है? अगर कोई गुंडा हमसे पंगा ले तो उसकी मास्टर वोंग, तो आप क्या करेंगे जब किसी गली के गुंडे से आपका सामना होगा? मैं खुद से पूछूंगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो पूरी दुनिया से लड़ रहा है, यानी वो सही राह पर नहीं। और उसके बाद? हर सीफू का फर्ज है कि उसे सही राह पर लाए, तभी इस दुनिया में शांति बनी रहेगी। वो आपको मारने की कोशिश करे तो? फिर तो शायद उसकी बैंड बजानी ही पड़ेगी, पर उसके बाद फिर से उसे सही राह पर लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर वो नहीं माना, तब तो समझो हम दोनों की हार हो गई। तो क्या तुम यहां मुझे सही राह दिखाने आए हो? मैं ये बताने आया हूं कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। मुझसे कहा गया है कि मुझे तुमसे बात करनी है। आंटी ब्लॉसम तुम्हें जल्दी छोड़ देगी। क्यों? मैंने उनकी एक डील करवाई है। पर बाकी लड़कियों का क्या होगा? वो सब मेरी बहनों जैसी हैं। कैसे हो मैक? अंदर आओ। तो वोंग के साथ ट्रेनिंग कैसे चल रही है? अच्छी। गुड। एक टीचर तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ता, वो सिर्फ सही रास्ता दिखाता है, उस पर चलना खुद होता है। अगर मैंने तुम्हें वोंग की ओर धकेल दिया है तो यही सही। वो फाइट के लिए तैयार है? लगता तो है। उससे कहना पूरी तैयारी कर ले। चाइना टाउन का फेवरेट तो मैं हूं, पर वो हांगकांग में फेमस है। दोनों पर बहुत पैसा लगा है। तुम किसी पर पैसा लगाओगे? अभी तक सोचा नहीं है। वोंग नहला है तो मैं दहला। नहले पे कभी दांव मत लगाना। मास्टर वोंग चाहते थे कि मैं आपको फाइट की कुछ शर्तें समझा दूं। तुम उसके मैनेजर हो? हाँ। बताओ क्या शर्तें हैं? सिर पर या चेहरे पर कोई वार नहीं, ना ही आंखों पर। उसे फाइट करना है या डांस? उन्होंने कहा कि इसके बदले वो किक नहीं मारेंगे। अब मैं समझा, उसने जरूर अपना मोंगशान किक किसी बूढ़े शाओलिन पर आजमाया होगा। वो शाओलिन मास्टर नहीं थे, टाइची मास्टर के साथ एक डेमो मैच था। वो मर गया? लगभग। तभी वो जैक्सन कैफे में जूठे बर्तन धो रहा है। जाकर कह दो उससे नो रूल्स नो लिमिट्स। नो रूल्स? आप दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे? मरने से पहले उसे हार माननी होगी।
वैसे मैं सोच रहा था फाइट एक बड़े स्टेडियम में करें, सारे टिकट्स बिक जाएंगे, प्रेस और टीवी वालों ने कहा था कहीं पर भी और कभी भी। तो उसे कहां फाइट करना है? वो एक गोदाम में प्रैक्टिस करते हैं, डॉक के पास, फाइट वहीं होगी। तो फिर मैं चाइनीज स्टॉल खोलकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं, सिर्फ 10 या 12 लोग होने चाहिए। मंजूर है, जैसा हो चाहे, पर मेरी भी एक शर्त है, फाइट का रिजल्ट पूरी दुनिया के अखबारों में छपेगा। मिस्टर लो, आइए आइए, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? यहाँ आकर आपने इस रेस्टोरेंट की शोभा बढ़ा दी। तुमने तो कमाल कर दिया माज, पर ये हुआ कैसे? मैंने वादा जो किया था आपसे। मेरे डैड के लिए कोई ड्रिंक मंगवाइए। जी जरूर, प्लीज। हांगकांग से 80 करोड़ की बाजी लग चुकी है, वाकई तुम्हारा जवाब नहीं। शुक्रिया, क्या लेंगे आप? मैं और मेरा शाओलिन उस चांद की तरह है। फाइट कल है मास्टर वॉन्ग, आपको आराम करना चाहिए। मैं जीतू या हारू, चिउलान तो आजाद हो जाएगी। वो तब तक नहीं आएगी जब तक बाकी बीनू आजाद ना हो। उसकी सोच बहुत ही अच्छी है, कहां से ढूंढा उसे आपने? पर एक बात मैं आपको बता दूं मिस्टर मैकी, ये फाइट ना मैं उसके लिए कर रहा हूं, ना आपके लिए कर रहा हूं, और ना ही मेरे लिए। ली जन फान सही है, वही भविष्य है, वो कंगफू को मशहूर बना देगा, पूरी दुनिया देखेगी। उसमें वो हुनर है, वो ताकत है, वो जज्बा है, पर वो दुनिया को किस टाइप का कंगफू सिखाएगा? गुस्से वाला कंगफू या मरने मारने वाला, या ऐसा कंगफू जो बाजार में बिक सके? पर अगर अगर क्या? अगर उसे सही दिशा मिल गई तो। क्या सोच रहे कल के बारे में? तुम नहीं सोच रहे ब्रूस, बस खुद को बचा कर लड़ना, बस और क्या कहूं। देख लेना वॉन्ग कल मुझसे नहीं बच पाएगा। 24 नवंबर 1964, वॉन्ग भी और तुम्हारे किक से मरते मरते बचा, तो क्या तुम मुझे भी मार सकते हो? मेरी ऐसी कोई तमन्ना नहीं है। तब तो तुम्हें खुद मरना होगा। Thank you.
तुम ढंग से फाइट क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचाना चाहता। काबिलियत को समझने लगे। कैसी काबिलियत? Thank you.
कौन जीता? तुम दोनों में कौन जीता? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बताओ किसकी जीत हुई? चलो। लगभग 100 करोड़ दांव पर लगा है और हम किसी को पैसे नहीं दे सकते। किसी एक को हार मानने के लिए मजबूर करो। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। चलो, चेहरा तो सलामत है, टीवी का काम तो चलता ही रहेगा। फाइट बहुत लंबी चली, तो तुमने उसे हरा दिया? जब उसने मेरा सर चकड़ा, वो मुझे मार सकता था। क्या कहा उसने तुमसे? कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? वेंचोलैंड, मैं दिल की बहुत अच्छी हूं और सबको अक्सर माफ भी कर देती हूं, पर तुमने मुझे बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया है। मुझे लगता था कि तुम काफी समझदार हो। जानती हो तुम कितनी तरक्की कर सकती थी? और आप नहीं जानते कि आप क्या हैं? आप भी एक बीनू ही हैं। फर्क बस ये है कि आपके कपड़े महंगे हैं। आत्मा तो आप बेच चुके हैं। अगर कल तक मुझे मेरा विनर नहीं मिला तो तुम खुद को किसी कोठे पर पाओगी। बताओ कौन जीता? पता नहीं, पर मैं जुलान को यहाँ से चुराने के पैसे दे दूंगा। माफ करना, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। अगर आज रात तक मुझे विनर का पता नहीं चला तो क्वेंचोलैंड किसी कोठे पर होगी। मिस्टर मक्की, मुझे माफ करना, मैंने आपको तकलीफ दी है। लगता है मैंने यहां बहुतों को तकलीफ दी है। मैं तो यहां पर प्रायश्चित करने आया था। मैं आया था खुद को सजा देने, पर मैं इसमें भी पूरी तरह असफल रहा। आप वो फाइट जीत गए। ये इतना आसान नहीं है। मैं तो ली जुन फन को यह जताना चाहता था कि उसका रवैया ठीक नहीं है और उसके स्टाइल में थोड़ी कमी है, पर उसे हराकर अगर मैंने उसे और भी भड़का दिया है तो मैं हार गया। पर उसे हराकर अगर मैं उसे बदल सका तो मैं जीत गया। तुम समझ रहे हो ना? हम चाइना के किसी मठ में नहीं है, ये अमेरिका है और यहां या तो कोई जीतता है या हारता है, और इस वक्त बस मैं यही जानना चाहता हूँ। सारे जवाब इतने आसानी से नहीं मिलते। आप जानते हैं इस सब में तकलीफ किसे हुई? चुलान को। मुझे कहने दीजिए कि आप जीत गए, प्लीज। कहोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रूस ली ये कभी नहीं मानेगा। तो मान लीजिए कि आप हार गए। नहीं मान सकता जब तक कि मैं जीत न जाऊं। और चुलान का क्या होगा? उसके बारे में तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। मैक, आई एम सॉरी, मुझे लगता नहीं कि हम कुछ कर पाएंगे। मुझे खुद ही वहां जाकर उसे बचाना होगा। इस वक्त लंच टाइम है, शायद अब वो डाइनिंग रूम में होगी। और अगर तुम्हें उन गुंडों ने पकड़ लिया तो क्या चाहते हो? मैं इंतजार करूं? अगर कुछ दिन रुकोगे तो मैं भी साथ। मेरे तो बात वहां नहीं होगी। स्टीव, स्टीव, क्या तुम मौत के मुंह में जा रहे हो?
यहाँ तुम बर्तन धोने आए थे ना? प्रमोशन हो गया मेरा। हम झगड़ क्यों रहे थे? तुम झगड़ रहे थे, मैं नहीं। लेकिन कल तो ऐसा नहीं लग रहा था। यहां क्या करने आए हो? मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने कॉल किया था, विनी वे, स्टीव मकी का दोस्त। मकी अकेला ही चाइना गेट गया है चिंग हू टोंग से लड़ने के लिए। उस लड़की के प्यार में वो मारा जाएगा। आखिर उसे वो मिल ही गया जिस पर अपनी जान गंवा दे। वोंग सीफू, हमारे बीच चाहे जो कुछ भी हो, वो आपका स्टूडेंट है और मेरा भी। हमारी कुछ जिम्मेदारी है। क्या मतलब? मतलब हमें भी कुछ करना होगा। पर तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं। अब क्या बदल गया? सब कुछ। आगे तो कौन जीता बताओ? गया मार में मुक्का। मुक्का तो अब तू खाएगा। एक दिन हमारे ट्रेनिंग के मिसाल बनोगे। मैं ठीक हूं। प्लीज अब यहीं पर रहना। नहीं नहीं नहीं, हमें मारना मत। पिटना है तो क्या कहते हैं मास्टर वोंग? पिटना है। Thank you.
बस अब बहुत हो गया, चलो अब ये फाइट यहीं खत्म करते हैं। जैसा तुम कहो। मेरा वन इंच पंच देखा है टोनी? वन इंच पंच ये तो मुझे भी सिखाओगे? देखना कल के अखबार में एक नई खबर छपेगी, कंग फू के दो महान दिग्गजों का किसी ने भेजा। Hey guys, यहां एक लिफ्ट तो लगवा ही सकती थी। चूलान कहां है? वो यहां नहीं है। तुम्हें लगता है मैं अपने तुरुप के पत्ते को टेबल पर छोड़ दूंगी? अगर लड़की चाहिए तो अपना फैसला बताओ, तो कौन जीता? अगर बता दिया तो आप क्वेन चूलान को छोड़ देंगे? हमारी बात तो यही हुई थी। तब तो मुझे कहना होगा कि मैं हारा, लीजन फान ही विजेता है। और तुम ये मानते हो? नहीं। ये अब क्या कर रहे हैं? तुम्हें सारी लड़कियों को छोड़ना होगा, अब चाइना टाउन में कोई बीनू नहीं होगी। ठीक है, मंजूर। सनी, ये बात फैला दो कि ब्रूस ली जीत गया, और सभी लड़कियों को छोड़ दो। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? जाओ। मेरी शक्ल तो याद है ना तुझे? तेरी टूटी हुई टांग याद है? तेरी तो। ढक्कन कहीं का? क्यों?
क्या ये मोंग शैन था? पता नहीं, तुम ही बता दो। ताजे ताजे फूलों का मजा लो। इसे कहीं से चुरा कर लाए हो क्या? वैसा ही कुछ समझो। तुम बहुत खुश लग रहे हो। मैंने शिफू पर 1000 लगाए थे और मैं जीत गया। तुमने किस पर लगाया? मास्टर वोंग। मैंने कहा था ना, नेहला कभी नहीं जीतता। शिफू, लेटे रहो नाक, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। एक्चुअली नहीं समझ सकता, मेरी बैंड आज तक किसी ने नहीं बचाई। कैसा लगता है? दर्द होता है। उन्होंने सारी लड़कियों को छोड़ दिया। शुक्रिया तुम दोनों का। वो बेट लगाने के लिए मैंने 1000 रुपए निकाले थे माँ के अकाउंट से, इससे पहले उन्हें पता चले मैं जमा कराता हूँ। जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं मैं ठीक हूँ। हाँ पर एक चीज है जो मुझे पूछनी है। क्या वो फाइट सच में आप जीते? हाँ। कैसे? वोंग ने दिखाया कि मेरे स्टाइल की लिमिटेशंस क्या थी। मैं तो अपने आप से लड़ रहा था। मैं समझ गया कि मुझे अपना नया स्टाइल बनाना होगा। पानी को देख लो, उसे जिस बर्तन में डालो उसी का शेप लेता है, पर कमजोर नहीं पड़ता, प्योर रहता है। अब से यही मेरा स्टाइल होगा। सही है। मैं तो बस एक स्टार बनना चाहता था, पर अब मैं एक लेजेंड बनने की सोच रहा हूं, जैसे कि वोंग जैकमैन। मिस्टर वोंग, क्या आप वापस आएंगे? हाँ लगता तो है। बहुत कुछ सीखने को है यहाँ पर, और कुछ सिखाने को भी। मेरे आने तक तुम यहीं रहोगे ना? हाँ, पर यकीन से नहीं कह सकते। मिस्टर मक्की, शुक्रिया। आपके बिना शायद मेरे बर्तन कभी धुल ही नहीं पाते। मास्टर वोंग, शिफुली वो समझ गया जो आप समझाना चाहते थे, मतलब जीत आपकी हुई। कंग फू को दुनिया के सामने लाना जरूरी है। ब्रूस ली ये कर लेगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं वापस जरूर आऊंगा और उसके बैंड बजाऊंगा दोबारा। ओह माय गॉड, साइबरट्रॉन आ रहा है। मुझसे जरा बच के रहना। हमें उन्हें किसी भी तरह रोकना होगा।